टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज हम बताएंगे आपको जो है एलईडी रिपेयर जो है किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है इस टाइम जो है बहुत सारी एलईडियां जो है ये रखी हुई हैं। तो ये एलईडियां तो दोस्तों जो है अलग अलग कंपनी की है, अलग अलग वाट की है, और उसके बाद जो है ये गारंटी में भी अभी है। तो दोस्तों, जब एलईडी गारंटी में होती है तब तो हमें रिप्लेस करके जो है नई एलईडी मिल जाती है, लेकिन जो गारंटी ख़त्म हो गई उस एलईडी को हम रिपेयर करके फिर से हम यूज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के देख के जो है एलईडी आप आराम से अपने ही हाथों जो है बना सकते हैं उसको। तो उसमें क्या क्या ख़राब होता है और उसको किस तरह से हम सही करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह से वीडियो अपने मोबाइल पर तुरंत अपडेट पाने के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, ये एलईडी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, मैं इसका डॉम निकाल लिया हूँ। अब सबसे पहले तो हम इसका बल्ब चेक करते हैं कि बल्ब, कभी कभी होता क्या है कि सारे बल्ब जो लगे हुए हैं सीरीज में लगे होते हैं, मतलब एक का जो प्लग दूसरे के जो है माइनस से जुड़ा होता है इस तरह से लगा होता है, तो एक बल्ब अगर फ्यूज जाता है तो सारी बल्बें नहीं जलती। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि जो है इसका ऐसा तो नहीं है कि बल्ब ही फ्यूज है। तो बल्ब कैसे हम चेक करते हैं इसको हम आपको बताएंगे। तो इसको हम होल्डर में जो है लगा लेंगे, होल्डर में लगा ये सप्लाई, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है लगा हुआ है लेकिन ये जल नहीं रहा। और अब देखिए जो है ये मल्टीमीटर से जो है हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है आउटपुट यहाँ देख लेते हैं कि मतलब यहाँ पे 100 वोल्ट आउटपुट आता है, लेकिन देखते हैं हमारा कितना वोल्ट आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दोनों तार जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे हम कंटिन्यूटी 200 वोल्ट डीसी पे सेट करके चेक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 95 वोल्ट करीब लाइट आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे करंट आ रहा, बल्ब में ही कुछ फॉल्ट है। अब देखेंगे कि इसमें से कौन सा बल्ब फॉल्ट है। तो 1 by 1 हम जो इस तरह से बल्ब को चेक करेंगे, यहाँ पे लगाया नहीं जला, यहाँ पे लगाया हल्का सा इंडिकेट किया बुझ गया। दोस्तों, इस तरह से हम 1 by 1 जो बल्ब ख़राब होगा उस बल्ब पे लगाते ही जो इस तरह से जल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इस पे सारे बल्ब लगभग इंडिकेट कर रहे हैं, हल्का हल्का जल रहा, आप देख सकते हैं नज़दीक से आप देख सकते हैं कि बल्ब अभी इस पे लगाने पे सारे बल्ब जल रहे हैं, इस पे लगाने पे सारे नहीं जल रहे हैं। दोस्तों, इसको करना क्या होगा, इसको हम इस बल्ब पे अब तार से शार्ट करके देखते हैं कि पूरा जलता है कि नहीं जलता। अब ये एक मैं तार ले लिया और इससे मैं शार्ट करता हूँ इस पॉइंट पे। देख सकते हैं तार से शार्ट करने पे पूरा ये जल जा रहा है। तो हमें करना क्या होगा, इस बल्ब को हमें निकाल देना होगा। इस बल्ब को निकाल के हम दोनों पॉइंट को जो आपस में शार्ट कर देंगे, ये बल्ब सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आप किसी भी चिमटी से या किसी भी चीज़ से जो है इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्लग निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ऐसे नहीं निकलता है देख रहे हैं ये ऊपर का बल्ब निकल गया। अब इसको हम साफ करके सोल्डरिंग आयरन से दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये है मेरा जो है सोल्डरिंग आयरन, अब इससे हम इस पॉइंट को इस तरह से आपस में ये जुड़ गया। अब इसको हम लगा के देखते हैं, देख सकते हैं दोनों पॉइंट टूटने के बाद ये जल गया, ये मैं निकाल दिया, प्लग बंद हो गया। तो ये बल्ब हमारा जो है सही हो गया है, अब देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बाकी इसके जो है प्लेट के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्लेट में जो है आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें मैं प्लेट के बारे में बताऊंगा
तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सबसे पहले तो अगर एलईडी ख़राब होती है तो आप सबसे पहला पॉइंट जो है आप पहले बल्ब चेक करें। बल्ब कैसे चेक करना है तो मैं आपको बता दिया हूँ। आप प्लेट के बारे में, प्लेट में कौन कौन से पॉइंट जो है ख़राब होते हैं उसको कैसे चेक करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।